नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। चाहे घर हो या बाहर, मंदिर अस्पताल हो या फिर सरकारी दफ्तर, आखिर महिलाएं कहां सुरक्षित है? कभी थानों में दुष्कर्म और रिश्वत के बदले महिला को अस्पद मांगी जाती है, तो कहीं सरे राह कुछ लोग द्वारा अगवा कर महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है। आखिर देश में महिलाएं कहां सुरक्षित है और सुरक्षित क्यों नहीं? ताज़ा मामला जयपुर के शैलबी हॉस्पिटल का है। यहां सोमवार रात आईसीयू में एक नर्सिंग कर्मी ने वेंटिलेटर पर भर्ती महिला मरीज के साथ बार बार अश्लीलता की। महिला का ऑपरेशन हुआ था, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, दोनों हाथ बंधे हुए थे। आरोपी ने बार बार पिंच करके देखा और उसके बाद महिला के साथ अश्लीलता करने लगा। इस घिनौनी वारदात के कारण महिला पूरी रात रोती रही। सुबह जब पीड़ित ने हॉस्पिटल की महिला नर्स को बताने की कोशिश की तो आरोपी ने धमका कर चुप कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने अपने पति को लिखकर आपबीती बताई। पति ने रिपोर्ट में बताया कि सोमवार को उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने पर शैलबी हॉस्पिटल लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों ने शाम तक उसका ऑपरेशन कर दिया। रात करीब 8 बजे आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने बताया कि आप साथ नहीं रुक सकते, जरूरत पड़ेगी तो बुला लिया जाएगा। इसके बाद वे घर बच्चों के पास चले गए। सुबह जब लौटे तो पत्नी ने रोते हुए कुछ बताने की कोशिश की, तब भी उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। तब पति ने पेन और कागज दे दिया। पीड़िता ने इसमें अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में लिखा। पीड़िता के पति ने शाम करीब 4:30 बजे चित्रकूट थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ड्यूटी चार्ट और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी की पहचान करके तलाश शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में दुष्कर्म। 7 मार्च को अलवर जिले के खेड़ली थाने में महिला ने एसआई भरत सिंह के खिलाफ थाने में ही 3 दिन तक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। महिला अपने पति के खिलाफ दर्ज मामले के कार्रवाई की मांग को लेकर थाने आई थी। एसआई भरत सिंह के पास मामले की जांच थी। महिला ने 7 मार्च की शाम को थाने में केस दर्ज कराया कि भरत सिंह ने उसके साथ थाने में ही दुष्कर्म किया है। इसके तुरंत बाद आईजी हवा सिंह धुमरिया और एसपी तेजस्विनी गौतम भी थाने पहुंच गई। भरत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इस बीच विधानसभा में लगातार थानों में दुष्कर्म व रिश्वत में महिलाओं से अस्मत मांगने का मामला, विपक्ष ने सरकार की नाकामी पर खूब हंगामा किया, सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हुए। वहीं पिछले दिनों कोटा की एक 15 साल की बच्ची को झालावाड़ ले जाकर 18 से ज्यादा दरिंदों ने 9 दिनों तक उसके साथ कई बार रेप किया। जब वो दर्द से कराती रही तो उसे नशा दे दिया गया। नशे में मना करती तो बुरी तरह पीटा जाता, घर छोड़ने की मिन्नत करती तो चाकू दिखाकर डराया धमकाया जाता। पीड़ित लड़की का कहना है कि 25 फरवरी को उसकी पहचान की लड़की और उसका साथी उसे बैग दिलाने के बहाने कोटा के सुकेत से झालावाड़ ले गए थे। वहां उसे दरिंदों के हवाले कर दिया, जिन्होंने 9 दिनों तक घर, होटल, निर्माणधीन मकान और खेत में उसके साथ रेप किया। 6 मार्च को पीड़ित ने विधवा मां के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित के भाई का आरोप है कि वह बहन की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए कई बार थाने गया, लेकिन पुलिस वालों ने उसे भगा दिया। अपहरण और फिर दुष्कर्म। झुंझुनू में आरोपी सुनील कुमार पीलानी थाना इलाके के श्योराणों की ढाणी में खेत में समीप खेल रही 5 साल की मासूम का अपहरण कर ले गया था, जिसके करीब 40 किमी दूर ले जाकर गाड़ा खेड़ा में दुष्कर्म किया गया। इसके बाद वे मासूम को गांव के समीप छोड़कर भाग गया था। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को महज 5 घंटे में गिरफ्तार कर लिया था। 9 दिन में ही पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। घटना के बाद जिले भर में आरोपी को सख्त सजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुए थे। प्रदेश की राजधानी जयपुर में एसीबी ने चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है। यहां एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से एक ऐसे आरपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है जिसने रिश्वत के बदले एक महिला से उसकी अस्मत मांगी थी। टीम ने एसीबी के डीजीबीएल सोनी के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए जयपुर में तैनात राजस्थान पुलिस महकमे के सीनियर पुलिस ऑफिसर आरपीएस कैलाश बोहरा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कैलाश बोहरा महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला से काम के बदले रिश्वत में उसकी अस्मत मांगी थी। एसीबी के अनुसार पीड़िता के दुष्कर्म सहित 3 प्रकरण की जांच एसीपी कैलाश बोहरा के पास थी। इस मामले की जांच में सहयोग करने के लिए आरोपी कैलाश ने अस्मत मांगी थी। वहीं नागौर जिले के खुनखुना थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने मिलकर एक शिक्षिका के साथ गाड़ी में रेप करने का प्रयास किया।
नागौर पुलिस के अनुसार खुनखुना थाना क्षेत्र के एक गांव में मिडिल स्कूल की शिक्षिका शनिवार को अपने गांव जाने के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद गांव से कुछ दूरी पर वैन चालक गाड़ी को गलत रास्ते लेकर जाने लगा तो शिक्षिका ने उसका विरोध किया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। महिला की ओर से विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की, जिसे महिला बेहोश हो गई। इसी बीच कुछ लोगों के आने की भनक लगते ही तीनों युवक महिला को एक गड्ढे में डालकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले में वैन को जब्त कर लिया है और दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इन तमाम घटनाओं के मद्देनजर एक बार फिर स्त्रियों की सुरक्षा का सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक महिला और लड़कियां इस तरह बलात्कार का शिकार होती और मरती रहेंगी। ये सारे तथ्य और आंकड़े एक ही सच की ओर इशारा कर रहे हैं कि महिलाओं को एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देने में हम बुरी तरह विफल रहे हैं। महानगरों में भी महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।